प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पर लोगो कैसे लगा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने YouTube चैनल पर लोगो लगाना सीख जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको लोगो लगाने की पूरी जानकारी मालूम हो सके। तो आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लोगो लगाने के लिए आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो जैसे मैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद क्या करना है, कैसे लोगो लगाना है, सारा कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप परेशान ना हो, वीडियो को पूरा देखिए, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आपको इस चैनल वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है योर चैनल। तो योर चैनल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, तो आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर टच करना है। तो जैसे मैं टच करूँगा हेल्प एंड फीडबैक पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर इशू, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आप अपने चैनल पर लोगो लगा सकते हो। इस तरीका पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर जो मैं सर्च करूँगा वही आपको भी सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैनेज योर, यहाँ पर आप अभी कहीं कापी या कलम कहीं लिख लीजिए जिससे कि आप भूलें ना, मैनेज योर चैनल आइकन, यहाँ पर ये सर्च करना है मैनेज योर चैनल आइकन। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो आपके सामने भी कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज योर चैनल आइकन, तो आपको इस पर सिंपली टच कर देना है। तो जैसे मैं इस पर टच करूँगा तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसे ही आप मैनेज योर चैनल आइकन पर टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो पेज ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे की तरफ गूगल अकाउंट सेटिंग, आपको इस पर टच कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर टच करोगे तो आपकी ये साइड आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो आप अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप उसे सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना जिससे कि आप आसानी से लोगो लगा सको। तो यहाँ पर जैसे ये ओपन होगा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा, आप भी समझ जाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी साइट जो है थी वो ओपन हो गई। अब इसके बाद मुझे लोगो कैसे सेट करना है वो सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आइकन मेरा था इस नाम से, इस वाले प्रोफाइल पिक्चर पे हमको टैप करना है। जैसे मैं इस पर टच करूँगा फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, यह कुछ प्रोसेस ले रहा है। अब प्रोसेस लेने के बाद आपकी यहाँ पर आप चूज कर लेना अपना जो लोगो होता है, फिर आपका लोगो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा प्लस वाले आइकन पर, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड प्रोफाइल पिक्चर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, योर वीडियोज़, योर फ़ोटो, जैसे मेरे सामने आ गए अपलोड फ़ोटो, योर फ़ोटो, आप कहाँ से लेना चाहते हैं, अपनी गैलरी से लेना चाहते हैं या अपने जो आपके कंप्यूटर में सेव है वहाँ से लेना चाहते हो, हम जहाँ मर्जी वहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने गैलरी में से डॉक्यूमेंट में से ले लेता हूँ अपना जो लोगो मैंने बना के रखा हुआ है, उसी लोगो को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे आपको दिखाता हूँ नीचे से मैंने एक लोगो बनाया था, इस लोगो को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ये वाला लोगो। तो देखिए इस लोगो, जो भी लोगो अगर आपको बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो पहले से अपलोड कर दी गई है, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि लोगो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, इस लोगो को थोड़ा सा प्रोफेशनल बना सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो, आपको इस पर टैप कर देना। जैसे मैं इस पर टच करूँगा
ये जो हमारी ये हमारा जो लोगो है ये इस प्रोफाइल फ़ोटो पे सेव हो जाएगा। अभी कुछ प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोफाइल पिक्चर हेल्प्स एंड प्रश्न योर अकाउंट, ये आपके चैनल पर ये लोगो आपका सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक जाना है, आपको अपने यूट्यूब पर जाना है। जैसे मैं अपने यूट्यूब पर गया, फिर आपको दोबारा से बैक आना है, फिर बैक आना है, फिर बैक आना है। बैक आने के बाद अभी देखिए हमारा लोगो सेट नहीं हुआ, फिर बैक आने के बाद दोबारा से यूट्यूब को ओपन करना है। अब यूट्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर लोगो शो करेगा। अभी थोड़ा सा प्रोसेस ले रहे, अब प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए कॉर्नर में हमारा जो लोगो हमने आपके सामने लगाया था यहाँ पर आपको शो करेगा योर चैनल पर जाने के बाद। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर अभी लोगो आपके सामने मैंने इस चैनल पर लगा के दिखा दिया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि लोगो कैसे बनाया जाता है तो प्लीज़ मेरी एक वीडियो को देख लीजिए, मैंने लोगो बनाने का तरीका उसमें बता रखा है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो मिलेंगे कल के वीडियो में एक नई वीडियो से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।